अच्छे से होंगे तो दोस्तों कड़ाके की ठंडी है और ठंडी में हम रजाई के अंदर कभी मीठा खाने का मन करे तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है और बिहार की फेमस रेसिपी है दोस्तों जिसे मैं अपने नानी और दादी के ट्रिक से आप लोग के साथ शेयर करूँगी बनाती तो मेरी दादी और माँ भी है लेकिन जैसा मेरी नानी बनाती है उस तरीके से आप बनाओगे ना तो बहुत ही सुपर और यम्मी और सुपर डिलसियस इंस्टेंट स्वीट डेजर्ट रेसिपी है दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है एक बार आप बनाओगे बार बार दिल लग जाएगा कि बार बार इसी रेसिपी को मिठास में बनाए और ख़ास बात इस रेसिपी की ये है दोस्तों कि आप किसी भी बर्थ तीज त्यौहार में इसका इस्तेमाल कर सकते हो मिठास के रूप में अगर आप बर्थ में हो तो बस एक कटोरी आप ये रेसिपी खाओगे ना तो दोस्तों आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको एकदम हेल्दी भी रखेगा थकने नहीं देगा और तो और दोस्तों आपको एनर्जी से भरपूर रखेगा बहुत ही प्यारी रेसिपी है जब कभी ठंडी आती है तो हम ये रेसिपी ज़रूर बना के खाते हैं आप भी इस रेसिपी को बनाइए और फुल फैमिली इस मिठास भरी रेसिपी को इंजॉय कीजिए रेसिपी अगर आपको अच्छी लग जाए आपके दिल को छू जाए तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ऐसी अच्छी अच्छी और प्यारी रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और सबसे स्वादिष्ट और आसान खाना बनाने से आप वंचित न रहे दोस्तों बहुत ही प्यारी प्यारी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है सही मापदंड और सही ट्रिक के साथ सारी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और साथ ही साथ आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा तो चलिए फटाफट से ये रेसिपी देख लेते हैं कि कैसे बनती है दोस्तों पे फ्रेश नारियल है एक मीडियम साइज की नारियल आती है तो पूरा मैंने साबुत ही ले लिया है तो फ्रेश नारियल है कच्ची नारियल तो इसको मैंने कद्दूकस पे घिस लिया था दोस्तों तो दोस्तों डेढ़ से दो मिनट हो गया है इसको हमने भून लिया है थोड़ी सी नमी भी इसकी कम हो गई है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है इसी स्टेज पे दोस्तों आप देख सकते हो गुड़ है तो गुड़ को मैंने साबुत गुड़ थी तो इस तरह से मैंने काट लिया है तो गुड़ इसमें ऐड करेंगे दोस्तों अब इसी स्टेज पर दोस्तों आप देख सकते हो हाफ स्पून करीब इलायची का पाउडर है तो इलायची का पाउडर स्टेज पे डाल दीजिएगा अब इन सारी सामग्री को ये तीनों सामग्री को अच्छे से हम मिला लेते हैं दोस्तों जब तक हमारी गुड़ मेल्ट ना हो जाए तो दोस्तों आप देख सकते हो सारी जो गुड़ थी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है तो दोस्तों थोड़ी सी नारियल और जो गुड़ थी हमारे थोड़ी सी आप देख सकते हो थोड़ा सा सूखा हो गया है गीलापन थोड़ा कम हो गया है और नारियल भी हमारी काफ़ी सॉफ़्ट हो गई खड़ी खड़ी नारियल तो यहाँ पे मिल्क पाउडर है लगभग तीन से चार चम्मच मैंने यहाँ पे कोई भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हो हम इसमें मिला लेते हैं इससे आपको खोया का एकदम मावा का टेक्सचर आएगा फिलिंग में तो इसको हम अच्छे से आपस में मिला ले रहे हैं दोस्तों तो दोस्तों ये देखिए ये जो हमारी स्टफिंग है पैन को पूरी तरह से छोड़ दिया है तो ये बढ़िया से हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है यहाँ पे हम डो रेडी कर लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो इस कटोरी से लगभग जितनी कटोरी आप पानी लोगे उतना ही कटोरी आपको चावल का आटा लेना पड़ेगा दोस्तों तो एक कटोरी हमने लिया था फिर एक कटोरी हम यहाँ पे पानी लेंगे यहाँ पे दोस्तों तीसरी कटोरी पानी ले रही हूँ क्योंकि फुल फैमिली इंजॉय करेंगे इसे तो जितना आपने पानी लिया है कटोरी से नाप के उतना ही आप चावल का आटा लेंगे इसमें हम एक बॉयलनेस आने देते हैं तो ये लीजिए दोस्तों पानी में बॉयलनेस आ गया है और जिस कटोरी से यहाँ पे आप देख सकते हो चावल का आटा है जिस कटोरी से हमने पानी लिया था उसी कटोरी से मैंने पहले ही आटा को नाप के रखा है तो तीन कटोरी हमारी आटा है चावल की चावल की आटा इजीली सब जगह मिल जाती है मार्केट में अगर आपको ना मिले दोस्तों इन केस तो आप इसे घर में भी बहुत इजीली प्रोसेस से रेडी कर सकते हैं पहले तो जो अरवा चावल आती है ना उसको आप मिक्सी के जार में देके इंस्टेंटली ग्राइंड कर लीजिए उसके बाद आप चालन होता है ना चालन से छान लीजिए क्योंकि छानना बहुत जरूरी रहता है जो मोटे पार्टिकल होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और जो फाइन पाउडर होंगे वो नीचे आ जाएंगे अगेन आप उस मोटे पार्टिकल को मिक्सी के जार में पीस लीजिएगा उसके बाद चाल लीजिएगा तो बहुत ईजिली घर पर भी ये चावल का आटा रेडी हो जाता है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है और इसको हम बढ़िया से मिला लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों अच्छे से पानी के साथ हमने इस चावल के आटे को मिला लिया है गैस का फ्लेम बंद कर देंगे दोस्तों इन केस अगर आपका पानी जो है ज्यादा हो जाए तो आप थोड़ा सा चावल का आटा और मिला लीजिएगा या फिर आपकी आटा ज्यादा लगे तो आप गर्म पानी ही ऐड कीजिएगा ठंडा पानी बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा नहीं तो चावल की आटा की जो है बाइंडिंग नहीं होगी लेकिन मैंने आपको परफेक्ट माप बताया है दोस्तों इसको अलग से बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा मथना पड़ेगा गुथना पड़ेगा दोस्तों तो ये देखिए दोस्तों अच्छे से हमने इसको डो के फॉर्म में रेडी कर लिया है जितना हमने चावल का आटा डाला था जितना पानी डाला था उतना ही हमने चावल का आटा डाला है तो ऊपर से ना तो मुझे चावल का आटा की जरूरत पड़ी और ना तो पानी का ये आप देख सकते हो और कितना परफेक्ट ये हमारा डो बन के रेडी हो गया है दोस्तों दोस्तों जैसा लोई आपको लेना है आप अपने मुताबिक ले सकते हो यहाँ पे मैंने ना ज़्यादा बड़ा लिया है ना ज़्यादा छोटा तो आप इसको कैसे भी सेप में स्टफ़िंग कर सकते हो दोस्तों लेकिन जो दूध बगिया का बगिया का जो ट्रेडिशनल सेप है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी स्टफिंग जो है वो काफ़ी ठंडी हो गई है तो स्टफिंग भी यहाँ पे हम इसमें फिलअप कर देंगे दोस्तों ये देखिए अगर आपके हाथों में चिपकेगा ये आटा तो आप थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लीजिएगा और इसको भी ऐसे करके हम कर देते हैं और इसको इस तरह से हम राउंड अप करते जाएंगे क्लोज करते जाएंगे, तो ये देखिए दोस्तों इसको इसको पूरा क्लोज कर लिया है, ये देखिए, बढ़िया से, और इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके फिर अगेन ऐसे कर देंगे और इस तरह से दोनों साइड से थोड़ा सा बगिया का जो ये होता है ना पोशन निकालते हैं तो ऐसे नहीं करके, नहीं। करके ये देखिए तो ये देखिए दोस्तों दोनों साइड से बेलन की तरह हमने निकाल दिया है और इसको हाथों से ऐसे करके हम प्रेस कर देंगे ये देखिए दोस्तों कितना परफेक्ट सेप बना है बगिया का सेप ऐसे ही होता है दोस्तों अब यहाँ पे दूसरा सेप मैं आपको बता दे रही हूँ अगर आपको बगिया का सेप नहीं बन पाएगा थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लगेगा लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करने से हो जाता है दोस्तों कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन मैं सिंपल भी आपको बता देती हूँ ऐसे आप ले लीजिएगा और यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग है स्टफिंग ले लीजिएगा दोस्तों और यहाँ पे मैं ज़्यादा ज़्यादा स्टफिंग भर दे रही हूँ लेकिन ज़्यादा मत भरिएगा नहीं तो फटने का भी चांस रहेगा और इसको ऐसे करके फिर आप क्लोज कर लीजिएगा जैसे मैंने पहले वाले में किया था देखिए बढ़िया से ये क्लोज़ हो गया है तीन तरीक़ों से मैं बता दे रही हूँ तीन डिजाइन के साथ आपको जो भी अच्छा लगे इजी लगे आप वो कर लीजिएगा डिजाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बस फ्लेवर तीनों का आप डिज़ाइन कुछ भी डालें फ्लेवर सेम ही रहेगा तो ऐसे करके हमने कर लिया फिर इसको राउंड ऑफ करके फिर इसको हाथों से आप थोड़ा सा प्रेस करके चिपटा कर दीजिएगा तो इसमें ज्यादा कोई मेहनत भी नहीं है भीड़ भी नहीं है आप देख सकते हो तो ये सबसे पेड़े आकार का सा बन गया है ये तीसरा डिजाइन का मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे मैंने स्टफिंग डाल दिया है दोस्तों अब इसको हम गोल गोल कर देते हैं दोस्तों तो दोस्तों इसको बनाने में तो कोई भी भीड़ भी नहीं है कोई भी आपको सही परफेक्ट सेप देने की जरूरत नहीं है इसको बस ऐसे करके राउंड अप सेप कर दीजिएगा सर्कल शेप में ये देख सकते हैं दोस्तों बस ये देखिए लड्डू टाइप का तो ये भी कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा उस तरह से आप तीनों में से कुछ भी बना सकते हो तो मैं सारा भर लेती हूँ सारा तैयार कर लेती हूँ दोस्तों जब तक हमारी बगिया बन रही है स्टफिंग देखे बगिया तैयार हो रही है तब तक यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहले ही ऑलरेडी बॉईल किया हुआ फुल फैट क्रीम वाला दूध है तो इस रेसिपी के लिए आप फुल फैट क्रीम वाला दूध लीजिएगा तो एकदम टेक्स्चर आपका बहुत ही बढ़िया आएगा जितना आप क्रीमी दूध लोगे उतना ही टेक्स्चर इसका एकदम क्रीमी आएगा मावा का टेक्स्चर आएगा एकदम खोए का तो यहाँ पे आप मोटी मलाई देख सकते हो दोस्तों तो दूध अच्छी वाली मैंने ली है फुल फैट क्रीम वाली तो आप भी ये रेसिपी के लिए फुल फैट क्रीम वाली दूध लीजिएगा तो ये तो ऑलरेडी ही बॉइल किया हुआ दूध है तो दो लीटर दूध मैंने लिया है दोस्तों तो इसको हम इसमें थोड़ा सा बॉयल आने देते हैं इस दूध में देखिए दोस्तों हमने बगिया बना ली है तो सेप में मुझे तो ये बगिया ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको तीनों तरीके से बता दिया है आपको जो सुविधा लगे उस अकॉर्डिंग आप काम कर लीजिएगा हाँ हमारी दूध भी दूध तो हमारी पहले ही से बॉयल थी तो दूध में भी बॉयलनेस आ गया है तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करके जो हमारी बगिया है डालते जाएंगे दोस्तों ये देखिए हम इसमें डालते जा रहे हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों सारे मिठाई को फेल कर देगा अगर आप इस ट्रिक से इस रेसिपी को बनाएंगे और जब खाएंगे दोस्तों मत पूछिए इसका टेस्ट जो होता है बहुत ही लाजवाब होता है दोस्तों सुपर यमी होता है तो ऐसे करके मैं सारे दे देती हूँ दोस्तों तो दोस्तों सारे बगिया हमने डाल दिया है ये रेसिपी आप बड़े वाले बर्तन में ही बनाइएगा ताकि जितनी बगिया आप डालोगे सबको स्पेस मिले तो स्टफिंग वाली बगिया हमने इसमें दे दी है लेकिन अभी गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे इसमें बॉयलनेस आने देते हैं ताकि जो हमारी बगिया है अंदर में चिपके नहीं दोस्तों अनदरवाइज ये चिपक जाएंगे और टूटने का भी चांस रहेगा और इस, इस स्टेज पे हमें लारना भी नहीं है बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है तो दो से तीन मिनट इसी तरह से हम पकने देते हैं हाई फ्लेम पे तो दोस्तों आप देख सकते हो दो से तीन मिनट में ही आप देख सकते हो ऊपर ऊपर जो हमारी स्टफिंग वाली बगिया है तैर रही है दोस्तों तो ये साइन होता है कि आपकी दूध बगिया बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया बनेगी आप देख सकते हो दोस्तों तो जब हमने डाला था शुरू में तो आप इसको लाड़िएगा भी मत क्योंकि ये टूटने का चांस भी रह सकता है ये देखिए कितना बढ़िया से ऊपर तैरने लगा है दोस्तों तो ये इस तरह से बगिया आप जब बनाओगे दूध बगिया ना स्टफिंग वाली तो बहुत ही टेस्टी बनती है तो इसको बस ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि गर्म पानी में ही हमने आटा को गुथा हुआ दोस्तों इसी स्टेज पे थोड़ा सा कलर ये टोटली ऑप्शनल है आप देना चाहो तो दे भी सकते हो अन अदरवाइज इसकेप कर सकते हो कलर बढ़िया आएगा इसीलिए यहाँ पे चौदह से पंद्रह में केसर के धागे ऐड कर रही हूँ इसी स्टेज पे दोस्तों इलायची का पाउडर हमने स्टफिंग में भी डाला था अगर आप स्केप करना चाहो तो स्केप कर सकते हो लेकिन मेरे पास है मैं रेसिपी में, में इस्तेमाल करती रहती हूँ इसीलिए यहाँ पे हाफ स्पून अगेन मैंने इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर लिया है अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो इस स्टेज पे आप साबुत हरी वाली इलायची है मुँह खोल के दो से तीन हरी इलायची दे दीजिएगा टेस्ट फ्लेवर वैसा ही आएगा तो इसी स्टेज पे हम मिठास ऐड करेंगे तो यहाँ पे सत्तर ग्राम करीब यहाँ पे मिश्री का पाउडर ऐड कर रही हूँ मिठास के रूप में आप चीनी साबुत चीनी भी ऐड कर सकते हो चीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हो या फिर देसी खांड बूढ़ा आता है मिठास में वो भी ऐड कर सकते हो लेकिन यहाँ पे मिश्री का पाउडर मैंने ऐड किया है कि मिठास मैंने लिमिट में ही ऐड किया है क्योंकि दूध जो है मेरी काफ़ी फुल फैट क्रीम वाली थी तो दूध भी मीठा रहता है और स्टफिंग भी अंदर रहेगा तो उसी अकॉर्डिंग मैंने मिठास ऐड किया है दोस्तों आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा देखिए सारी बगिया जो है अपने आप ऊपर आ गई है दोस्तों तो ये साइन होगा कि आपका बगिया एकदम परफेक्ट बन रहा है बिना टूटे फूटे दोस्तों अब मिठास ऐड करने के बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है तो आप देख सकते हो यहाँ पे किशमिश है एलमॉन्ड्स है और साथ ही साथ काजू है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ड्राई फ्रूट्स को कम ज़्यादा कर सकते हो और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो तो यहाँ पे मैं एलमोंड्स और किशमिश और काजू ऐड कर दे रही हूँ दोस्तों या फिर आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हो बहुत ही टेस्टी लगेगा लेकिन मैं डाल दे रही हूँ इस तरह से बच्चे भी खा लेंगे कुछ बढ़िया सा तो इसीलिए मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ दोस्तों अब सेकेंड स्टेज पर हम लो टू मीडियम गैस पर इसको तीन से चार मिनट और पकने देते हैं ये लीजिए दोस्तों इसी स्टेज पे हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि तीन से चार मिनट हमारा हो गया है ये इंस्टेंटली स्वीट डेजर्ट कम मेहनत कम सामान में बन के रेडी हो गई है दोस्तों आप इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये देखिए दोस्तों और ये बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं ये देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया ये पक के हमारा रेडी हो गया है कुछ भी कोई पिसेस टूटना नहीं चाहिए ये देखिए कुछ भी हमारा कोई भी पिसेज टूटा नहीं है और सब के सब हमारे बढ़िया से पक के रेडी हो गए हैं कलर कितना बढ़िया आया है दोस्तों आप देख सकते हो इस ग्रेवी को मैंने थोड़ा सा दूध को गाढ़ा ही रखा है और इसी स्टेज पे बंद किया है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद चावल का जो ये बगिया है हमारा पूरा अपने आप में ये जो ग्रेवी है दूध की एब्जर्व कर लेगा इसीलिए इसी स्टेज पे आप बंद कर दीजिएगा अदरवाइज ज़्यादा ही ये गाढ़ा हो जाएगा आप चाहो तो इसको गर्मा गर्म इसी स्टेज पर सर्व कर सकते हो लेकिन ठंडा करने के बाद आप इसे सर्व करोगे ना दोस्तों तो बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से देखिए पूरे पतीले भर के हमने बनाया है दोस्तों इसको आप पंद्रह दिन के लिए जब ये ठंडा हो जाए तो बाहर भी रखोगे तो ये ख़राब नहीं होगा और फ्रिज में स्टोर करके भी रखोगे तो टेस्ट जो है इसका बहुत ही बढ़िया आता है दोस्तों आपको लगेगा कि आप रस मलाई खा रहे हो दोस्तों बहुत ही टेस्टी फ्लेवर वाली है पंद्रह दिन तक बिना खराब हुए आराम से रह जाएगा क्योंकि अभी ठंडी है दोस्तों तो इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं दोस्तों ये पंद्रह मिनट हो गया है इसको और थोड़ा सा ठंडा होने में टाइम लगेगा लेकिन मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है ये कितना टेस्टी है कितना टेस्टी और इसकी खुशबू बहुत बढ़िया है बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने केसर और गुड़ का इस्तेमाल किया है तो एक तो खून की कमी आपकी पूरी होगी और ठंडी में आपको गर्माहट देगा और आपका मूड जो है रिलैक्स करेगा बहुत ही स्वीट डेजर्ट है खाने के ऊपर आप पंद्रह दिन कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप एक से दो पीसेस इसे खा सकते हो और अपना मीठा खाने की क्रेविंग को ख़त्म कर सकते हो टोटली हेल्दी रेसिपी है ठंडी में बनाइए या कभी भी आप बनाइए आपको टोटली न्यूट्रिशन फुल ही ये रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में दोस्तों एक बार आप इस ट्रिक, ट्रिक से जरूर बनाइएगा एक मैं अंदर का स्टफिंग आपको दिखा देती हूँ कट करके कि इसके अंदर का स्टफिंग कितना बढ़िया है और ये कितना ये देखिए दोस्तों कितना माइंड ब्लोइंग लग रहा है आप देख सकते हो दोस्तों मैंने एक कट करके दिखा दिया है ये देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों एकदम सॉफ्ट सा ये हमारा रेसिपी बनके रेडी हुआ है इस तरह से जब आप एनर्जी से भरपूर हमारी ये स्टफिंग वाली दूध बगिया खाओगे ना दोस्तों तो सारे मिठास वाली रेसिपी आप भूल जाओगे सारे मिठाई को भी ये फेल करने वाला है तो एक बार आप इस ट्रिक से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो मिलती हूँ जब तक नए रेसिपी के साथ तब तक आप इस रेसिपी को इंजॉय कीजिए फुल फैमिली फुल दोस्तों के साथ घर खाइए या लंच बॉक्स में ले जाइए और खाते खाते अपने इस प्यारी सी दोस्त को याद करते रहिए बाय बाय टेक केयर